मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल आगर मालवा जिले के दौरे पर नलखेड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध तांत्रिक स्थली बगलामुखी माता मंदिर में पूजा अर्चना की और विशेष हवन अनुष्ठान किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बजरंग दल और बीजेपी को लेकर खंडवा में दिए गए बयान पर कहा कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व और देश विरोधी रहे। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जहां जहां जाएंगे वहां कांग्रेस का सफाया होगा। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर भी विराम लगाया, साथ ही 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व विरोधी और देश विरोधी, टुकड़ा टुकड़ा गैंग को दिग्विजय सिंह जी किसने साथ दिया? राहुल गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक तुम हो, और हाफिज को हाफिज जी कौन कह रहा था? और इसलिए पहले अपने गिरेमान में झाको, तुम देशभक्तों को देशद्रोही कह रहे हो, और आतंकवाद की जननी कांग्रेस है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, आतंकवाद की जननी कांग्रेस है, और इसलिए तुम्हारी ये गत हुई है। और दिग्विजय सिंह तो जहाँ जहाँ जाएगा कांग्रेस का सफाया होगा। अफवाहें और अफवाहों का कोई विश्वास नहीं, इसलिए अफवाहों पर विश्वास मत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा, 200 से अधिक सीट हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर से एक्शन में